वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास फोर्थ। एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 7, डेसिमल फ्रैक्शंस। एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 7.4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इन द बुक, दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास 4। एंड नाउ ओपन एक्सरसाइज 7.4। नाउ सी हियर, दिस इज द एक्सरसाइज 7.4 एंड पेज नंबर 61। नाउ टुडे वी डू ए पार्ट, अरेंज इन द कॉलम्स एंड ऐड। हियर सम डेसिमल नंबर्स आर गिवन and we add all these numbers. First we arrange these numbers in column. So see how we arrange these numbers in columns. See in this notebook, a part question number 1। देखिए यहाँ पे ये 3 numbers दिए हुए हैं जो decimal number है। सबसे पहले हमें देखिए कॉमा दिखाई दे रहा है आपको, तो कॉमा का मतलब है ये नंबर अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये 3 नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो इसी तरह से हम डायरेक्टली इनको ऐड नहीं करेंगे, इन्हें हमें क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है। तो कॉलम में हम अरेंज किस तरह से करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर ये किया हुआ है। सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर लिखेंगे 6.7। देखो 6.7, अब आप कहोगे ये जीरो कहाँ से आ गया? देखो बच्चों, पॉइंट के बाद देखो इसमें 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है और यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट हैं? 2। तो जिनमें हमें ये 1 डिजिट है तो इनमें हम एक एक जीरो बढ़ा देंगे, तो सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए हमने 7 के बाद एक जीरो लगा दिया। अब ये नंबर हमें लिखना है, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के नीचे लिखेंगे। अब ये 7 हम वंस के नीचे, 6 हमारा वंस होता है, वंस के नीचे वंस, और जो 8 है पहले हम 7 के नीचे लिखेंगे। और इसके आगे देखो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, तो ये 2 डिजिट बन जाएंगी। अब इसके नीचे हम ये नंबर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट, और 5 हम यहाँ पर लिखेंगे 7 के नीचे वंस के नीचे, और 4 2। सबसे पहले हम 8 के नीचे लिखेंगे फिर 0 के नीचे। तो देखिए पॉइंट के बाद सभी में 2 डिजिट हो गई। अब हम इनको प्लस करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब प्लस करना तो आपको आता ही है, प्लस करेंगे तो 2, इसका कैरी हम यहाँ लगा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आंसर में भी। अब इनको प्लस करेंगे तो 19, तो आंसर है 19.92। इसी तरह से दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, अगेन हियर 3 नंबर्स आर गिवन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर 3 नंबर्स। फर्स्ट वी राइट फर्स्ट नंबर 6.72। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 1, 2, 3, यहाँ पे 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें है, इसमें है 3 डिजिट, तो इनमें भी हमें 3 बनाना है। तो एक एक जीरो हम दोनों में बढ़ा देंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 6.72। अब इसमें ये 2 डिजिट हैं, इसमें इसके अकॉर्डिंग एक कम है तो एक जीरो लगा दिया। अब ये नंबर हम इसके नीचे लिखेंगे, इस लाइन में पहले पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, और 9 हम वंस के नीचे, और ये जो नंबर है हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर से, पहले 7 के नीचे फिर 2 के नीचे, और जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 9, 2 हम यहाँ फर्स्ट नंबर से लिखना शुरू करेंगे 9, 2। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट है तो 0 लगा दे, तब तो 3 बराबर हो गए सभी में,
अब हम इनको प्लस कर देंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 3, इसको प्लस करेंगे 6, इन्हें प्लस करेंगे तो 17 होगा। इसका 1 कैरी यहाँ लगा देंगे और इन्हें प्लस करेंगे तो 21। और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको, आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे फिर से हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। सेम ये पहले हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे इसी तरह से। पहले हमने फर्स्ट नंबर लिखा 31 पॉइंट, देखो यहाँ पे 6 है। अब ये 20 कैसे आए, देखो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट ही बनानी है। तो यहाँ पे एक ही लिखी हुई है तो 20 लगा दिया हमने, तो ये 3 डिजिट हो गई, तो ये भी 3 हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे एक डिजिट कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 लगा दिया। तो ये ना पॉइंट के बाद सभी नंबर में सेम डिजिट होनी चाहिए, और जिसमें कम होती है वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस करेंगे 5, 4, इनको प्लस करेंगे तो 23, इसका 2 कैरी यहाँ आ जाएगा। फिर हम इसे प्लस करेंगे 2, इसका 1 कैरी यहाँ 12 है, प्लस कर दे तो 4, तो आंसर आ जाएगा 42.345। देखो पॉइंट के बाद जो नंबर हैं इन्हें हम अलग अलग लिखे पढ़ेंगे, एक साथ मिलाकर आप नहीं पढ़ोगे। तो आंसर कैसे पढ़ेंगे हम इसको, 42.345। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। इसी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, और यहाँ पर भी 3 डिजिट है। इन दोनों में तो बराबर हैं, लेकिन इसमें एक डिजिट कम है, तो हम यहाँ पे 2 के बाद 0 लगा देंगे। तो पहले हम ये नंबर यहाँ लिखेंगे 36.42, और एक 0 लगा दिया, तो 3 डिजिट बन गई। अब ये नंबर लिखना है इसके नीचे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 3 हम 6 के नीचे लिखेंगे। और ये नंबर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पहले 4 के नीचे, फिर 2 के नीचे, और फिर 0 के नीचे। इसी तरह से अब ये नंबर लिखना है, तो ये इस पॉइंट को हम पॉइंट के नीचे यहाँ लिखेंगे बिल्कुल सेम, और 0 हम यहाँ आ जाएगा। और यह जो राइट में नंबर है वो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0, 1, 2। अब प्लस का साइन लगा दीजिए। अब हम इनको प्लस करेंगे, देखो प्लस किया 8, इन्हें प्लस करेंगे तो 11, इसका 1 कैरी यहाँ आ गया। फिर हम इनको प्लस करेंगे 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इन्हें हम प्लस करेंगे 9 और 3 का 3। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी बी पार्ट। बी पार्ट में बच्चों हमें इनको पहले कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद फिर हमें ऐड करना है। देखिए बुक में, दिस इज द बी पार्ट, अरेंज इन द कॉलम्स एंड ऐड। बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह करना है, बस इसमें थोड़े नंबर्स इन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं। मेथड हमारा बिल्कुल सेम ही रहेगा। देखिए फर्स्ट में ये नंबर्स दिए हुए हैं, देखो कॉमा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग नंबर है। तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इनको ऐसे कॉलम में लिख लेंगे। अब देखिए पॉइंट वाइज में 1, 2, 3 डिजिट हैं, यहाँ भी 1, 2, 3 डिजिट हैं, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ एक कम है तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। इसमें भी 3 डिजिट हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगा। तो हम 0 लगा कर फिर यहाँ पर लिख लेंगे जिसमें भी कम है। पहले हम ये नंबर यहाँ लिखेंगे। इस नंबर को लिखने के लिए पहले इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये नंबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फिर ये नंबर लिखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पहले हम 4 लिखेंगे वंस के नीचे, और जो 1 है वो टेंस में आ जाएगा। और आगे के नंबर हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, पहले 0 के नीचे, फिर 0, फिर 6 के नीचे। इसी तरह से सभी नंबर्स हम इनको लिख लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और लेफ्ट साइड के नंबर 1 से शुरू करना है, और राइट साइड के जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर से लिखना शुरू करेंगे आगे की तरफ। अब हम इनको प्लस करेंगे, तो प्लस आपको
नॉर्मल करना है, जैसे आप प्लस करते हो इन्हें प्लस करेंगे तो 11 वन, इसका वन कैरी यहाँ जाएगा, प्लस करेंगे 7, फिर हम इन्हें प्लस करेंगे तो 12 टू लिखेंगे, इसका वन कैरी यहाँ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे हम। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 22 यहाँ टू लिखेंगे, इसका टू कैरी यहाँ जाएगा, फिर हम इन्हें प्लस करेंगे तो 10। तो आंसर इज 102.271। इसी तरह से सेम करना है सारे क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करने हैं, बस आपने अरेंज करना है कॉलम में और उसके बाद फिर आपको प्लस करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, पहले हम ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये नंबर और फिर ये नंबर, पॉइंट के बाद सभी में डिजिट इक्वल करनी है। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1, 2, इसमें पॉइंट के बाद 1, 2, 3, इसमें पॉइंट के बाद 1, 2, 3, इन दोनों में तो इक्वल हैं लेकिन इसमें वन डिजिट कम है, तो यहाँ एक ज़ीरो लगा देंगे हम। देखो मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, अब इनको कर लिख लेंगे हम, फिर प्लस करेंगे, देखिए 8 आ जाएगा, 8 1, इसका आ जाएगा 13, इसका वन कर यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम, फिर इन्हें प्लस करेंगे 6। दिस इज़ द आंसर। तो सभी क्वेश्चन आपको सेम इसी तरह से करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 में बच्चों जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, देखिए ये आपको सभी ए और बी पार्ट के सभी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना है। तो योर एक्सरसाइज 7.4 इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।